पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आज प्रधानमंत्री जी के इस मन से, प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज अररिया और मुंगेर में भी बिहार दौरा करते हुए नजर आए, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। तो वही अगर हम बात करें अररिया की, तो अररिया से जो प्रत्याशी है वो प्रदीप सिंह है। प्रदीप सिंह के प्रचार में आयोजित की गई थी आज चुनावी सभा, जिस दौरान एक मंच पर चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ नजर आए। तो वही चिराग पासवान खूब गरजते हुए नजर आए आरजेडी और कांग्रेस पर। बताते चले आपको कि जहां एक ओर जनता से अपील कर रहे थे अपने प्रत्याशी को वोट देने के लिए, तो वही दूसरी ओर गरजते हुए नजर आ रहे थे कांग्रेस और राजद पर, और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। छोरे जो आते हैं आपको उनके बातों के साथ। भारत माता की, अब की बार इस सम्मानित मंच पर मौजूद हम सब के गौरव, हम सब के अभिमान, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, अररिया से हमारे एनडीए के प्रत्याशी भाई प्रदीप सिंह जी मौजूद यहां पर, सुपौल से हमारे एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय दिलकेश्वर कामत जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, तमाम एनडीए के वरिष्ठ नेतागण मौजूद यहां पर, तमाम आदरणीय मंत्रीगण मौजूद यहां पर, तमाम आदरणीय विधायकगण मौजूद यहां पर, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम मजबूत पदाधिकारी साथी, तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, आप लोगों को कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है। आप सब ने मन बना लिया है और जनता आज की तारीख में हम नेताओं से कई आगे है। जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में अपने कार्यों से अर्जित किया है, जिसको हम सब प्यार से मोदी की गारंटी कहते हैं, वो विश्वास इतना ज्यादा है कि आज किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि एनडीए के किस प्रत्याशी के प्रति आप मतदान करें, किसको आप जिताएं, क्योंकि ये मन आप लोग बना चुके हैं। कारण है इसके पीछे, कारण है जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक के बाद एक देश में गरीब कल्याण की योजना लेकर आए, जिसने भारत की ना सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, बल्कि बुनियादी जरूरतों तक, महिलाओं के शौचालय तक की चिंता प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। एक तरफ जहां हमारा एनडीए गठबंधन विकास के मुद्दे पर हर रोज आगे बढ़ने का काम कर रहा है, प्रधानमंत्री जी ने हम सबको लक्ष्य दिया कि 2047 तक हम लोगों को भारत को एक विकसित देश बनाना है। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर राज्य विकसित बनेगा, जब हमारा हर एक जिला विकसित बनेगा, हमारा हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, हमारी हर एक पंचायत, हमारा हर एक गांव विकसित बनेगा। यह लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का 2047 तक का है। पर ठीक इसके विपरीत विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, लोकतंत्र की हत्या को लेकर। ये एक ऐसा विपक्ष है जो पूर्णतः मुद्दाहीन है। इनके पास कोई उठाने के लिए मुद्दा नहीं है, तो डराने की राजनीति की जाती है कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी के इस मन से, प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मन से
मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है ना आरक्षण पर ना संविधान पर कभी कोई खतरा था ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर साथियों ये समझने की जरूरत हम लोगों को भी है, ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लागू कर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। आज ये लोग हम लोग को लोकतंत्र की दुहाई देने का काम करते हैं। हकीकत है जिन्होंने अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता किया, ये जयप्रकाश नारायण जी की धरती है, बिहार उनका उनके सिद्धांतों पर चलने वाला प्रदेश है। उस वक्त की पीढ़ी ने एकजुट होकर एकत्रित होकर जयप्रकाश जी का समर्थन करने का काम किया और कई उनके अनुयायी हैं जो अपने आप को उनका अनुयायी बताते नहीं सकते पर आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं जिसके लिए जयप्रकाश जी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा देने का काम किया था। आज ये लोग उन्हीं के साथ मिलकर गठबंधन में बैठे हैं। साथियों अब ये हम लोग को चुनना है, क्या हम लोग को गाली देने वाली सरकार को चुनना है या आपको सम्मान देने वाली सरकार को। एक तरफ वही राजद है जिन्होंने 90 के दशक में माँ बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, आज वही लोग माँ बहन बेटियों को खुलेआम गाली देने का काम करते हैं। ऐसे में अब ये जिम्मेदारी हम लोगों की है कि एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए उनको शौचालय बना कर दिए, जहां पर बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा के लिए आयुष्मान योजना का निर्माण किया, तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग हैं जो दिन दहाड़े माँ बहन बेटियों को गाली देने का काम करते हैं, उनको अपमानित करने का काम करते हैं। एक बार फिर से मैं आप सब से ये आह्वान करूंगा, जरूरी है देश की मजबूती के लिए देश की सुरक्षा के लिए महिलाओं के सम्मान के लिए बुजुर्गों के अधिकार के लिए और युवाओं के भविष्य के लिए किसान और मजदूरों के हक के लिए कि एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और हम तमाम प्रत्याशी उन्हीं के सेना के सदस्य हैं जो हम मिलकर हमारे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य 400 पार को हम लोग पूरा करेंगे, जिसमें बिहार की 40 की 40 सीटों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सब लोग तैयार है ना, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से हमारे प्रधानमंत्री जी को अपना विश्वास दें, जोरदार ताली बजाकर। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। आज प्रधानमंत्री जी के इस मन से प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मन से मैं मेरे नेता मेरे